Hello, my dear students. I welcome you all at Learn Karo Class 11 and 12. I am Shreya, your English mentor. और हम discuss कर रहे थे आपकी book Vistas का chapter that is Should Wizard Hit Mommy by John Updike. अपने last session में हमने इस particular chapter का part 1 already cover कर लिया था. In case अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर definitely जाकर देखिए. Separate playlist बनी हुई है English की description box में link provided है. वहाँ से जाके आप cover कर लीजिए. अब हम continue करेंगे part 2 से. So last part में हमने कवर करा था जब रॉजर स्कंक जो क्रिएचर है वो अपनी प्रॉब्लम लेके ऑफुल स्मेल वाली जो उसकी प्रॉब्लम थी इसको लेके विजर्ड के घर पहुंचा था. विजर्ड ने उससे पूछा था कि मुझे बताओ कि तुम कैसा स्मेल करना चाहते हो. तब रॉजर स्कंक ने सोचने के बाद बोला कि मैं स्मेल करना चाहता हूँ लाइक रोजेस. अब ये बात सुनने के बाद जो विजर्ड है उसने अपनी मैजिक वैंड उठाई और उसने अपना पूरा एंटायर मैजिक स्पेल जो है वो परफॉर्म करा और उसके बाद उसने एंड में कंप्लीट करते हुए क्या बोला, उसने बोला बिंगो. यानी कि ऐसा लग रहा था कि अब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी जब विजर्ड ने अपना पूरा मैजिक स्पेल परफॉर्म कर दिया था. अब इसके बाद he paused at the rapt expression widened out. अब यहाँ पे rapt expression का क्या मतलब है, यहाँ पर expression describe हुए है little girl जो कि अपनी नॉस्ट्रल से अपनी आईब्रो से एक ऐसा एक्सप्रेशन दे रही थी जैसे कि वो इस पूरे मैजिक स्पेल में जो उसके फादर ने एक्ट करके दिखाया था विजर्ड की वॉइस में इसमें पूरा मगन हो गई हो. मगन होने को इंग्लिश में बोलते हैं राप. ऑलराइट, अब उसकी एक्सप्रेशन देखने के बाद जो फादर है जैक उनको ऐसा याद आ रहा था कि सेम एक्सप्रेशन उन्होंने जो कि मदर जो उनका नाम है क्लेयर उनके फेस पे भी नोटिस करे थे कहां पर, जब वो किसी कॉकटेल पार्टीज में हुआ करती थी. ये सब जब वो सोच रहे थे दोबारा से वो अपनी स्टोरी पे वापस आ जाते हैं एंड देन वो बोलते हैं द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड हाउस वाज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेस. अब यहां पर क्या हुआ, पूरा जो मैजिक स्पेल हो गया था तब विजर्ड के घर के अंदर पूरी फ्रेग्रेंस फैल गई थी ब्यूटीफुल रोजेस की फ्रेग्रेंस की जो कि रोजर्स कंस ने बोला था कि वो रोजेस की तरह स्मेल करना चाहता है. रोजेस रॉजर फिश क्राइड एंड Then the wizard say very crankily. इसके बाद wizard ने बोला कि मेरा charge जो कि उसने consultation provide करी थी problem solve करी थी तो उसने बोला कि इसका charge है 7 pennies. यानी कि 7 pennies वो चाहता था Roger Skunk से क्योंकि उसने उसकी wizard ने problem solve करी थी. Daddy what Roger Skunk? You said Roger Fish. अब यहाँ पर धोखे से जो जैक के फादर उन्होंने रॉजर स्कंक की जगह बोल दिया था रॉजर फिश और ये बात एकदम से जो जो उनकी लिटिल डॉटर है उसने नोटिस कर ली. उसने कहा कि फादर आपने रॉजर स्कंक की जगह रॉजर फिश बोल दिया है. तब उसके फादर बोलते हैं यस यस स्कंक यू सेड रॉजर फिश वाजंट दैट सिली. अब यहाँ पे जो आर्ग्यू कर रही है अपने फादर के साथ कि आपने तो रॉजर स्कंक की जगह रॉजर फिश बोल दिया था क्या ये बहुत नासमझी की बात नहीं है. तब वो बोलते हैं उसके फादर की यस यस योर ओल्ड डैड इज अ बिट स्टूपिड. तब वो बोलते हैं वेल यू नो व्हाट अबाउट द पेनीज. वैसे अब तुम्हें पता ही है आगे पेनीज के बारे में क्योंकि सभी जो है स्टोरीज उनके बेसिक लाइन सेम हुआ करती थी. लेकिन यहाँ पर जो गर्ल है कहती है कि नहीं नहीं आप कंटिन्यू करो और बताओ फिर क्या होता है. तब ओके रॉजर्स कंसेंट बट ऑल आई हैव इज 4 pennies. अब यहाँ पर विजर्ड ने तो उससे मांगे थे 7 pennies लेकिन यहाँ पर जो रॉजर्स कंक है उसके पास थे कितने, उसके पास 4 थे. यानी कि उसके पास 4, 5, 6, 7 3 pennies यहाँ पर पेंडिंग थे. अब वो 3 pennies कहाँ से लाता, तो इसका सोल्यूशन भी उसको विजर्ड बताता है कि बचे हुए 3 pennies उसे कहाँ पर मिलेंगे. तो उसे डिस्क्राइब करते हुए वो बोलता है बट दिस टाइम विदाउट ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी. अब यहाँ पे एक्सप्रेशन बताए हैं किसके लिटिल गर्ल जो कि उसने अपने फेस की एक्सप्रेशन तो चेंज करे लेकिन वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं थी अब स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए क्योंकि उसको पता था कि आगे क्या होने वाला है. दिस अनॉयड जैक. अब ये देखने के बाद ये एक्सप्रेशन जो फादर है जैक वो थोड़े से ना डिस्टर्ब हो गए, वो अनॉयड हो गए क्योंकि उनको ये एक्सप्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं आई जो कि वो डिसइंटरेस्ट शो कर रही है स्टोरी में. डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल. अब डाउनस्टेयर्स से कुछ और फर्नीचर रब यानी कि खिसकाने की आवाज आई और उनकी आवाज कहां से आई थी, जो कि उनकी वाइफ क्लेयर नीचे फर्नीचर पे कुछ वर्क कर रही थी और उन्होंने कोई फर्नीचर प्रोबेबली मूव करा होगा उसी वजह से ये आवाज आई थी. शी वाज 6 months प्रेग्नेंट. अब जो यहाँ पर मदर है जो की और जैक की जो वाइफ है उनका नाम है क्लेयर, वो 6 months प्रेग्नेंट थी. और यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि सोच रहे हैं यहाँ पे उसके फादर जो है जैक सोच रहे हैं कि वो 6 months प्रेग्नेंट है इसलिए उसको हैवी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि फर्नीचर इसको ड्रैग नहीं करना चाहिए. इट वुड बी देयर थर्ड. अब थर्ड क्या मतलब, ये उनका थर्ड चाइल्ड होने वाला था, एक जो थी एक उसका लिटिल ब्रदर बॉबी था और अब दे वर गोइंग टू हैव थर्ड चाइल्ड.
सो द विजर्ड से, अब विजर्ड बताता है कि उसको बचे हुए 3 पेनीज कहां पर मिलेंगे। गो टू द एंड ऑफ द लेन, लेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रीट। वो बताता है कि तुम स्ट्रीट के एंड तक जाना, एंड देन टर्न अराउंड 3 टाइम्स, फिर तुम 3 टाइम्स टर्न करना राउंड राउंड, लुक डाउन द मैजिक वेल, वहां पे तुम्हें एक मैजिक वेल मिलेगा और उसके अंदर तुमको 3 पेनीज मिल जाएंगे। अब रॉजर्स का सेम रास्ते पर जाता है, जो जो विजर्ड ने करने को बोला था वो सब कुछ करता है और उसको 3 पेनीज मिल जाते हैं, उन्हें कलेक्ट करके वो विजर्ड को पे कर देता है। Hurry up, sir, Roger, skunk went and gave those 3 pennies. अब उसके पास complete हो गए थे 7 pennies, वो pay कर दिया उसने. So he took them back to the wizard and was very happy. अब Roger skunk ने many भी pay कर दिए थे wizard को और उसमें से awful smell की जगह beautiful fragrance आ रही थी किसकी, roses की, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था. And ran out in the woods, यानी कि अब वो भागकर forest में गया, वहाँ पे उसको खूब सारे creatures मिले. Other little animals सब उसके पास इकट्ठा हो गए क्योंकि उसके पास से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, because he smelled so good. कैसे smell कर रहा था वो? Beautiful fragrance of roses की तरह. And then उन्होंने बहुत सारे गेम खेले, जैसे कि tag, baseball, football, basketball, lacrosse यानी कि stick ball, hockey, soccer and pickup sticks. अब यहाँ पे pickup sticks game क्या होता है, जैसे stick होती है, magic wand होती है wizard की, इसी तरह से sticks आपको collect करनी होती है, उसको एक और गेम खेलते हैं वो पिकअप स्टिक्स का। अब सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, काइंड ऑफ, एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड। अब उन्होंने खूब सारी मौज करी, मस्ती करी, किसने, रॉजर स्कंक ने और बाकी एनिमल्स ने जो कि कहां पर थे, फॉरेस्ट में। आफ्टरनून एंड देन इट बिगन टू डार्क। अब पूरे आफ्टरनून तो उन्होंने मस्ती करी और जैसे ही नाइट होने लगी, इवनिंग होने लगी, डार्क होने लगा, तब वो सभी के सब क्रिएचर्स अपने घर वापस लौट गए अपनी मदर्स के पास, जो वो स्टार्टिंग टू फर्स विद देयर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। अब जो को लग रहा था जो ये पूरी स्टोरी है ये खत्म होने वाली है, उसका इंटरेस्ट और कम हो गया था और वो इधर उधर देखने लगी थी विंडोज के कर्टन से, इधर उधर देखो, यानी कि डिसइंटरेस्ट हो गया था, उसे लग रहा था स्टोरी एंड हो गई। एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड, शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। अब यहाँ पे जू को लग रहा था कि स्टोरी तो खत्म हो गई, अब क्या इसमें इंटरेस्ट रखना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और रॉजर्स कल वापस आ गया अपने घर पे। जैक डिडंट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। अब ये जो एक हैबिट है, जैक को बहुत बुरा लगता था जब कोई भी लेडी, चाहे वो जो हो या उसकी मदर हो या कोई भी लेडी हो, जब वो किसी भी टॉपिक पे जिसका डिस्कशन चल रहा है उस पे अगर डिसइंटरेस्ट शो करती थी, तो ये बात जैक को बहुत बुरी लगती थी और इसलिए उसको यहाँ पर जो की भी ये बात बहुत बुरी लग रही थी। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स नाउ जो, आर यू लिसनिंग, तब यहाँ पे के फादर बोलते हैं कि जो क्या तुम सुन भी रही हो, तो वो बोलती है हाँ मैं सुन रही हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर ट्विस्ट डालते हैं उसके फादर जैक, क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी डॉटर को तो कोई इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा, वो यहाँ पे ट्विस्ट डालते हुए क्या बोलते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आगे बहुत इंटरेस्टिंग टर्न है। जब रॉजर्स कंक की मम्मी उससे मिलती है तो वो बोलती है व्हाट दैट ऑफुल स्मेल, ये इतनी बुरी सी स्मेल कहाँ से आ रही है। अब ये सुनने के बाद जो बोलती है व्हाट, अब क्यों बोला उसने वो, क्योंकि जो रॉजर्स कंक के उसकी ऑफिस स्मेल तो पहले थी, अब तो वो ब्यूटीफुल रोजेस की तरह फ्रेग्रेंस स्मेल आ रही थी उससे, लेकिन उसकी मदर उससे मिलने के बाद कहती है कि ऑफिस स्मेल कहां से आ रही है। ये सुनने के बाद जो है जो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इसलिए वो ये एक्सप्रेशन देती है व्हाट, एंड देन रॉजर्स कंक सेड। अब फिर रॉजर्स कंक पूरा इंसिडेंट जो है अपनी मदर को नरेट करता है, वो बताता है इट्स मी मॉमी, ये तो मैं हूं मदर, आई स्मेल लाइक रोजेस, और मैं रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूँ। And she said, who made you smell like that? तब उसकी मदर, रॉजर्स कंक की मदर उसे पूछती है कि तुम्हें ऐसे स्मेल किसने दिए, किसने तुम्हें ऐसा स्मेल करवाया है? तब वो बताता है आंसर में, the wizard. वो बताता है कि मैं विजर्ड के पास गया था। She said, well of all the nerve. अब ये बात सुनने के बाद रॉजर्स कंक की मदर, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट ऑफुल विजर्ड। अब वो बोलती है कि तुम मेरे साथ अभी के अभी उस विजर्ड के पास चलो, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। जो सेट अप हर हैंड्स जैबिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। अब यहाँ पर ये ट्विस्ट सुनने के बाद जो जो लेटी हुई थी वो उठकर बैठ जाती है, उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है, तो कुछ नया ही होने लगा, कुछ अमेजिंग हो गया स्टोरी में। बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, हर हैंड्स स्कैटर्ड ऑफ इनटू अंडर बुश। अब यहाँ पर बहुत सारे दोबारा से क्वेश्चन पुट अप होते हैं जो के मन में, ये क्या हो गया, एक तो उसकी अच्छी स्मेल की वजह से उसकी मदर बोल रही है कि वो इतना ऑफुल स्मेल कर रहा है, और फिर बाकी एनिमल्स का क्या होगा, पहले वो उसको छोड़ के भाग जाते थे लेकिन अब तो वो उसके साथ खेलने आ गए थे, तो अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, यानी कि इस टर्न से जो जैक है फादर, उन्होंने अपनी डॉटर का टेंशन दोबारा से स्टोरी में पूरा ला दिया था। ऑल राइट ही सेड, बट मॉमी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। अब यहाँ पर
रॉजर्स का जो है अपनी मदर को एक्सप्लेन कर रहा है कि ठीक है मदर, लेकिन बाकी सारे एनिमल्स मेरे साथ नहीं खेलते हैं, मुझे देखकर भाग जाते हैं। She said, I don't care. उसकी मदर बोलती है कि मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। You smell the way little skunk should have. तुम्हें वैसे ही स्मेल करना चाहिए जैसे कि एक छोटे skunk को करना चाहिए। And I'm going to take you right back to that wizard. और इसलिए मैं तुम्हें वापस से उस wizard के पास लेके जा रही हूँ जिसने कि तुम्हारी इस स्मेल को चेंज करा है। And she took an umbrella. अब जाते-जाते जो रॉजर स्कंक की मदर है वो अपने साथ एक अम्ब्रेला भी उठा लेती है। And went back to Roger Skunk and hit that wizard right over the head. और वो गुस्से में उस विज़र्ड के साथ पास जाती है रॉजर स्कंक के साथ और उस विज़र्ड को हार्ड हिट करती है उसके हेड पर। No, Joe said and put her hand out to lips. अब ये सुनने के बाद जो कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। Yet even her agitation did not quite dare stop the source of the truth. अब वो कंटिन्यू नहीं करने देती है अपने फादर को और कहती है कि नहीं नहीं फादर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी मदर ने विज़र्ड को जाके उसके हेड पर हिट कर दिया विद दैट अम्ब्रेला। देन द विज़र्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। अब यहाँ पर जो ही बोल रही है कि फादर जब ऐसा होता है तो क्या जो विज़र्ड है वो भी अपनी स्टिक से मदर को हिट बैक करता है उनके हेड पर और जो ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस स्मेल थी उसको रिवर्स नहीं करता है उस रॉजर स्कंक क्रिएचर की। तब उसके फादर बोलते हैं नो ही सेड द विज़र्ड सेड ओके कि नहीं ऐसा नहीं होता है कि विज़र्ड हिट बैक करता है मदर को और स्मेल को फ्रेग्रेंट रोजेस की दोबारा से ऑफल में नहीं कन्वर्ट करता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके कंट्रास्ट में क्या होता है स्टोरी में, ये होता है कि मदर की प्रॉब्लम सुनने के बाद विज़र्ड अग्री कर जाता है और वो बोलता है ओके एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर और वो अपने मैजिक स्पेल को रिवर्स कर देता है। अब दोबारा से रॉजर स्कंक अपनी ऑफल स्मेल में ही आ जाता है और फ्रेग्रेंट रोजेस की स्मेल उसके पास से चली जाती है। स्मेल वेरी बैड अगेन जो कि उसकी ओरिजिनल स्मेल थी। बट द अदर एनिमल्स अब यहाँ पर जो बोल रही है लेकिन उन बाकी एनिमल्स का क्या जो कि उनके साथ एंड वो आगे बोलना चाहती है लेकिन वो चुप हो जाती है। जो इट्स डैडी स्टोरी। अब यहाँ पर उसके फादर जैक बोलते हैं कि जो ये मेरी स्टोरी है ये डैडी की स्टोरी है इसलिए मुझे बताने दो। शैल डैडी नॉट टेल यू, क्या तुम्हें डैडी आगे की स्टोरी ना सुनाए, तुम्हें बोल लो, तुम बीच बीच में इतना बोल रही हो क्योंकि हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड द लाइट। अब यहाँ पे जो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये वाला ट्विस्ट स्टोरी में एंड में आया था कि रॉजर स्कंक की जो स्मेल है ओरिजिनल वाली वो वापस आ गई थी इसलिए उसने बहुत फ्लैट से एक्सप्रेशन दे रखे थे अपने फेस पे। दिस इज व्हाट हैपेंड। अब उसके फादर बोलते हैं कि रियलिटी में स्टोरी में यही होता है। रॉजर स्कंक एंड हिज मदर वेंट बैक होम। अब जब ओरिजिनल स्मेल में आ गया है रॉजर स्कंक वो अपनी मदर के साथ अपने घर पर वापस चला जाता है। वहां पर ट्रेन की आवाज आ रही होती है लाइक यहाँ पे डिस्क्राइब द वू It was the choo-choo train. अब ट्रेन वापस आ रही थी जिसमें कौन थे, उनके फादर थे। उनके फादर घर पर आ जाते हैं और तब वो लोग साथ में बैठकर अपना डिनर करते हैं जिसमें क्या है लिमा बीन सेलरी लिवर मैश पोटैटोस एंड उसमें डेजर्ट है पाई ओ माई डेजर्ट। एंड व्हेन रॉजर स्कंक वाज इन बेड और जब अब रॉजर स्कंक अपनी मदर के साथ बेड पर था तब उसकी मदर बोलती है उसको हग करते हुए बोलती है That he smelled like her little baby. कि अब वो originally उनके छोटे बच्चे की तरह smell कर रहा है जैसे कि एक skunk को originally practically reality में smell करना चाहिए skunk. And she loved him very much. और वो बोलती है कि वो उसको बहुत प्यार करती है वैसा जैसा कि वो है यानी कि with that awful smell जो कि उसकी reality है. And that's the end of the story. अब यहाँ पर father बोलते हैं और यहाँ पर story खत्म हो जाती है। बट डैडी यहाँ पर अब बहुत सारे जो है क्वेश्चंस जो के अंदर आ रहे थे जिनसे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी उनके आंसर्स से। यहाँ पर वो बोलती है बट डैडी व्हाट देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे, क्या बाकी जो एनिमल्स थे फिर वो रॉजर स्कंक के पास से दोबारा से भाग जाते थे वापस। तब यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि नहीं वो वापस नहीं भागते हैं क्योंकि इवेंचुअली सभी एनिमल्स जो है वो यूज्ड हो गए थे रॉजर स्कंक की उस ऑफल स्मेल की जो की उसकी ओरिजिनलिटी थी। अब कोई भी लिविंग बींग जैसा होता है इन नेचर वो उसकी रियलिटी होती है। अब बाकी क्रिएचर्स को उस किसी भी लिविंग बीइंग की उस ओरिजिनलिटी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे यहाँ पर रॉजर स्कंक की ऑफुल स्मेल के साथ बाकी सारे क्रिएचर्स ने एडजस्ट कर लिया था इन अ लिटिल व्हाइल दैट वाज स्टूपिड ऑफ मॉमी। लेकिन जो यहाँ पर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी वो कहती है लेकिन यहाँ पे जो मदर थी रॉजर स्कंक की वो स्टूपिड थी और उसने जो एक्ट करा वो भी बहुत ज्यादा स्टूपिड था, इट वॉज नॉट। अब यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि अब यहाँ पर स्टोरी खत्म हो गई है और मदर बिल्कुल स्टूपिड नहीं थी। तब वो उसके हेड को प्लेस करते हैं पिलो पर क्योंकि ये तो एक नैप टाइम स्टोरी थी ना, वो चाहते थे कि उनकी डॉटर जल्दी जल्दी से सो जाए। आई वॉन्ट यू टू स्लीप नाउ एंड ही एडजस्टेड द शेड
अब तब वो कर्टन्स जो है उसको एडजस्ट करते हैं जिससे कि बिल्कुल भी लाइट ना आए, जिसकी वजह से हिंडरेंस होए उनकी डॉटर को सोने के लिए। इन द प्रिटेंस शी वाज ऑलरेडी असली, बट व्हेन ही टर्न, जब वो जा रहे थे रूम को छोड़कर, तब वो टर्न करके देखते हैं कि उनकी डॉटर तो सो ही नहीं रही थी। रादर शी वाज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स, अब वो देखते हैं कि वो तो बैठी हुई है, सो ही नहीं रही, वो चाहते थे वो सो जाए। Hey, get under the covers and fall asleep. अब वो दोबारा से बोलते हैं कि जल्दी जल्दी से सो जाओ, जल्दी से अपने आप को कवर करो शीट्स में और सो जाओ। She stood up, bouncing gingerly. अब वो क्या देखते हैं, वो अपनी एक जगह पर खड़ी हो गई और जैसे बच्चे गुस्से में एक जगह पर carefully jump करते हैं, वैसे कर रही है अपनी बात मनवाने के लिए, जैसा वो पहले भी किया करती थी। What tomorrow? अब वो बोलती है अपने फादर को कि फादर मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे ऐसे स्टोरी सुनाओ कि जो विज़र्ड है उसने अपनी स्टिक से उस मदर को हिट बैक करा, जब मदर ने अपनी अम्ब्रेला से विज़र्ड को हिट बैक करा था। हर प्लम आर्म चॉप्स फोर्सफुली, और वो ये एक्टिंग भी करके दिखा रही थी अपने फादर को, राइट ओवर द विज़र्ड हेड। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, उसके फादर दोबारा से इस बात को पोस्ट करते हैं कि नहीं, स्टोरी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। द पॉइंट इज दैट लिटिल स्कग, अब यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं जैक की पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो रॉजर स्कग है वो अपनी मदर को ज्यादा प्यार करता था। अब यहाँ पर जो जैक के फादर वो एक्सप्लेन करते हैं अपनी डॉटर जो को कि यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो रॉजर्स का क्रिएचर था वो अपनी मदर को ज्यादा प्यार करता था रेदर देन ऑल दी क्रिएचर्स, और उसको बिल्कुल पता था कि जो भी मदर मेरे बारे में डिसाइड कर रही है या सोच रही है वही मेरे लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा या उसी में मेरी अच्छाई है। और क्योंकि मदर ने कहा था कि दैट ही शुड स्मेल एज अ स्कंक क्रिएचर शुड, तो फिर डेफिनेटली ये भी उसके फेवर में ही होगा और वो अपनी मदर की बात से बिल्कुल अग्री कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो दोबारा से बोलती है कि नहीं नहीं फादर, आप मुझे कल दोबारा से एक ये स्टोरी सुनाना और इसमें ये वाला ट्विस्ट डालना जो मैं आपको बता रही हूँ। She kicked her legs. अब वो यहाँ पर अपनी बात को जैसे बच्चे मनवाने के लिए क्या करते हैं, जिद करते हैं, वैसे यहाँ पर कर रही होती है। As she had done hundreds of times, और ऐसा वो बहुत बार पहले भी कर चुकी थी अपनी बात मनवाने के लिए। तब यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ फादर, आप मुझे कल ऐसा ही बोलिएगा, आप मुझे कल ऐसा ही सुनाइएगा स्टोरी में। तब उसके फादर बहुत परेशान हो जाने के बाद बोलते हैं कि वी विल सी, कि ठीक है चलो कल देखेंगे, नाउ एटलीस्ट अब तुम आराम करो एंड स्टे एट योर बेड, यू आर अ गुड गर्ल। वो बोलते हैं ठीक है अच्छा कल की बात अब कल देखेंगे, अभी तुम यू आर अ गुड गर्ल और तुम सो जाओ। उसके बाद ही क्लोज द डोर, वो उस पर्टिकुलर रूम का जो डोर है उसे क्लोज कर देते हैं और डाउनस्टेयर जाते हैं अपनी वाइफ के पास जिनका नाम क्या है क्लेयर। अब क्लेयर ने वहां पर जो है सारे में न्यूज़पेपर्स फैला रखे थे और उन्होंने अपना जो पेंट ब्रश है उसको डिप कर रखा था और वो ओल्ड फर्नीचर को वहां पर पेंट कर रही थी। उन्होंने क्या पहना हुआ था, उन्होंने एक स्मॉक पहना हुआ था। स्मॉक क्या होता है, एक लूज गार्मेंट जो कि आप पहनते हो अपने क्लोथ्स के ऊपर जिससे कि आपके जो कपड़े हैं वो गंदे ना हो जाए। एंड अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेट एंड ही कॉल्ड, अब यहाँ पर जो जैक है उसको ऊपर कौन से वाले रूम से जिसमें जो है वहां से फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी और वो देख रहे हैं कि जो जो है अभी भी मूव कर रही है। तब उन्हें गुस्सा आता है और वो बोलते हैं That John, shall I come up there and spank you? क्या लगता है आप तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी, तुम बिल्कुल कहना नहीं मान रही हो। और ये बात सुनने के बाद जो वो स्टेप्स की आवाज थी वो बिल्कुल बंद हो जाती है, यानी कि जो ने अपने फादर की बात मान ली थी। अब यहाँ पर क्लेयर अपने हस्बैंड जैक को देखने के बाद बोलती है कि ये स्टोरी तो काफी ज्यादा बड़ी थी, द पुअर किड जो सुन रही थी स्टोरी, यहाँ पर जो को बोला गया है। अब यहाँ पर जो जैक है वो काफी ज्यादा टायर्ड थे क्योंकि एक तो वो पहले से टायर्ड थे, दोबारा जब वो स्टोरी सुना रहे थे जो को तो वो बीच में बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पुट अप करके। अब वो देखते हैं दैट उनकी जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा वर्क कर रही थी नीचे। अब वो नोटिस करते हैं अपनी वाइफ को क्लेयर को जो कि बहुत सारा काम कर रही थी नीचे और आस पास सारा सामान फैला हुआ था जैसे कि वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स, रेल्स, बेस बोर्ड, ये सब इधर उधर फैला हुआ था। क्योंकि जब आपने देखा होगा किसी भी रूम में पेंटिंग हो रही होती है तब आपने देखा होगा कि सारा सामान जो है एक टाइम पर इधर उधर फैला हुआ रहता है, ऐसे ही यहाँ पर था। हाफ ओल्ड टैन हाफ न्यू आइवरी, अब यहाँ पर कलर डिस्क्राइब है कि आधा कैसा था ओल्ड टैन यानी कि ब्राउन कलर का और आधा किस कलर का था व्हाइटिश या क्रीमिश आइवरी कलर का। ही फेल्ट कॉट इन अ अगली मिडिल पोजीशन, अब यहाँ पर जैक ऑलरेडी ऊपर से इतना इरिटेटेड आया था और नीचे उसने देखा कि सारा सामान फैला पड़ा है और उसकी जो प्रेग्नेंट वाइफ है वो अकेली सारा काम कर रही है। तब उसको ऐसा लगता है जैक को कि वो एक बहुत ही अगले मिडिल पोजीशन में है, जब उसको पता नहीं चल रहा है वो कंफ्यूज है वो क्या करे। एंड थॉट एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज, अब उसको ऐसा लग रहा था कि सारा सामान जो इधर उधर फैला हुआ है ये मिलकर एक केज बना रहा है जिसके अंदर जैक और उसकी वाइफ क्लेयर प्रेजेंट है विद हिम। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक, अब ना तो वो अपनी वाइफ से बात करना चाहता था क्योंकि वो थक चुका था और ना ही वो उसको टच करना चाहता था, वो चाहता था
कि वो कुछ भी ना करे, वो ऐसे ही रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना टायर्ड था बाय आंसरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द डॉटर जो. एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स हियर. आई होप आप सभी बच्चों की समझ जरूर आया होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बाय लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यू कैन अटेंड लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम. यू मे अवेल द एंटायर स्टडी मटेरियल इन द पीडीएफ फॉर्मेट. Apart from this, definitely download कीजिए हमारा official app Learn Karo the live learning app and you may also join us on Telegram ताकि आप सभी बच्चों को time में notifications मिलती रहे. So should wizard hit mommy part 2 ends here. इस particular chapter के जो भी difficult words हैं उनके लिए मैं एक separate session रखूंगी जिसमें मैं हर एक difficult word का word meaning आपको बता दूंगी. Now I'll end up this session and we'll meet you in the next session with a new chapter. Till that time keep studying, take care, all the best, bye bye.